गौ सेवा संगठन बावल द्वारा पुलवामा हमले में शहीद हुए वीर जवानों की याद में तिरंगा यात्रा निकाली गई। बावल निवासी सुनील फौजी ने कहा कि भारत के इतिहास में यह दिन जम्मू कश्मीर की एक दुखद घटना के साथ दर्ज है। आतंकियों ने 3 साल पहले देश के सुरक्षाकर्मियों पर कायराना हमला किया था। इस हमले में 45 CRPF जवान शहीद हो गए थे और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए थे। पवन जांगिर ने बताया कि पुलवामा हमले में हमारे 45 वीर जवान शहीद हुए थे। उनकी याद में बावल शहर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। 14 फरवरी 2019 को जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारतीय सुरक्षा कर्मियों को ले जाने वाले CRPF के वाहनों के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें 45 भारतीय सुरक्षा कर्मियों शहीद हुई थे। लोगों ने एक और नम आंखों से शहीदों को श्रद्धांजलि दी। गौ सेवा संगठन द्वारा बावल में वीर शहीदों की याद में तिरंगा यात्रा निकाली गई, श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। सुनील चौहान ने बताया कि यह तिरंगा यात्रा गौ सेवा उपचार शाला बावल से शुरू होकर स्कूल सर छोटू राम चौक, अम्बेडकर पार्क, भगत राम चौक और कटला बाजार, मोती झील, खेड़ा रोड, शहीद स्मारक पहुंची। यात्रा भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को माला की अर्पण, वीर जवानों को श्रद्धांजलि देकर तिरंगा यात्रा का समापन किया गया। सुनील सिंह, महासचिव, गौ सेवा संगठन उपचार शाला बावल। आज युवा को मैं बताना चाहता हूँ, आज 14 फरवरी को पुलवामा शहीद हमला अटैक हुआ था कश्मीर में, जिसमें हमारे 43 जवान शहीद हो गए थे। उन्हीं के हर वर्ष यही उनको श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उन्हीं के लिए ये पैदल मार्च निकाला गया है। यात्रा उपचार शाला बावल से चली थी और बावल के बीचों बीच मार्केट को कवर करते हुए खेड़ा रोड पे जो शहीद पार्क हैं, सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह की प्रतिमा वहाँ लगी हुई है, वहीं जाके उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उनके बाद फिर आगे की रूपरेखा देंगे। जी बिल्कुल सही है, भगत राम जी हमारे BSF में सब इंस्पेक्टर होते थे और उन्होंने भी बलिदान देश के लिए किया, लेकिन जो जिन्होंने ऐसी हरकत की है, बहुत ही घिनौनी हरकत की है। मैं प्रशासन से, हरियाणा सरकार से मांग करता हूं, ऐसे तत्वों को जल्दी से जल्दी ढूंढ के सख्त सजा दी जाए। ये हमारे शहीदों का अपमान है। जहां आज पूरा भारत शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, वहीं एक ऐसी घिनौनी हरकत होना हमारे लिए शर्मनाक का विषय है। पवन जांगिड, कोषाध्यक्ष, गौ सेवा उपचार शाला बावल। को हमारा ये यात्रा निकालना जैसे एक यात्रा नहीं है, इससे लोगों को, युवाओं को एक संदेश देना है। आज जो युवा पश्चिमी सभ्यताओं को लेकर जो भटके हुए हैं हग डे, वैलेंटाइन डे के लिए, हम उनसे एक जागरूकता, एक यात्रा निकाल के एक जागरूकता फैलाना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हमें अपने देश के लोगों का, शहीदों का सम्मान करना चाहिए। हमारे जो 43 जो हमारे शहीद हुए थे आज के दिन, जिनके उपलक्ष्य में हम ब्लैक डे मना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें पश्चिमी सभ्यता को छोड़ के हमें उनके लिए भी कुछ टाइम निकाल के उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहिए। और मेरी सभी युवा भाइयों से यही उम्मीद है कि एक नशा को छोड़ के और ये सब पश्चिमी सभ्यता को छोड़ के अपना सनातन धर्म आए। हमारे योगी जी जो सनातन का इतना बड़ा प्रचार कर रहे हैं, उनके कर्मों पे चलें, उनके पथ प्रदर्शन पे चलें। बस सभी से मेरी यही अनुरोध, यही प्रार्थना है युवा वर्ग से। मैं युवाओं से यही कहना चाहता हूं कि नशे का अंत तो अंत ही है, नशे का अंत है। और जहां शहीदों के सम्मान की बात है, आप अगर शहीदों का सम्मान करोगे तो 10 लोग भी जुड़ के आपके साथ शहीदों के सम्मान में जुटेंगे, कहीं ना कहीं उनमें भी देशभक्ति की भावना जागृत होगी, तो वो नशे को छोड़ के शहीदों की भावनाओं में सम्मिलित होगी।